गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम नीट एग्ज़ाम में आए हुए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको उनके आंसर और उनको सॉल्व करने का बेस्ट मेथड बताने वाला हूँ, इसलिए आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और कुछ सीखने की कोशिश करें। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड में। हमने ये Na(NH2) देखा, ठीक है ना। Na(NH2) के साथ जब हम ब्रोमीन की रिएक्शन करते हैं तो ये रिएक्शन दो स्टेप में होती है। पहले स्टेप में ये Br हटेगा और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा जो बेंजाइन होता है। अब अगर इसमें ये OCH3 नहीं होता तो ये NH2 Br के बगल में जुड़ता है, ठीक है ना। डोनर ग्रुप नहीं होता तो ये NH2 जो NaNH2 से आएगा वो इस Br के आइधर इस साइड और इस साइड पर जुड़ता है, क्योंकि इधर ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ जुड़ेगा, क्योंकि इसमें डोनर ग्रुप प्रेजेंट है जो एनाइन को डिस्टेबलाइज कर देगा। तो अब NH2 Br की जगह ही जुड़ेगा, तो इसमें ये प्रोडक्ट बढ़ेगा और ये सब्सटीट्यूशन हो रिएक्शन होगी। सिंस सब्सटीट्यूशन नहीं होगी, अगर सिंस सब्सटीट्यूशन होती तो ये इस जगह जुड़ता। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फर्स्ट। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हैं पहले NH2 ने अटैक किया, एनाइन बन गया, एनाइन से बेंजाइन बन गई। अब बेंजाइन पे जब NH2 अटैक करेगा तो दोनों ऑप्शन मौजूद है, AB और BB, ठीक है ना। अगर हम A के थ्रू जाते हैं तो NH2 यहां लग जाएगा और ये दोनों ही ग्रुप, ठीक है ना, ये NH2 इसको डिस्टेबलाइज करेगा। लेकिन जब हम यहाँ जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो ये स्टेबल रहता है, तो इसमें मेटा पे ही लगेगा, तो ये साइन सब्सटीट्यूशन नहीं। हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हैं हमने एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन NaCN से करी, Br को CN ने रिप्लेस कर दिया और NaBr बन गया। अब ये रिएक्शन किस में फास्टेस्ट होगी, क्योंकि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन देता है। SN2 रिएक्शन के लिए सॉल्वेंट ए प्रोटिक होना चाहिए, तो इसमें से ए प्रोटिक सॉल्वेंट थर्ड वाला है, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। जो तो आप ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि SN2 के लिए ए प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर हुआ बच्चों थर्ड। अब हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हम देखेंगे कि वो हमको कह रहा है इनमें से कौन ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए मिरर इमेज या कायरेलिटी होनी चाहिए, या कायरेलिटी बेस्ट आंसर है। तो इसमें कायरेलिटी है नहीं, इसमें भी कायरेलिटी है नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी इसकी मिरर इमेज नहीं है। सिर्फ ये इसी में अगर हम बीच में एक एरो लगा दे तो आप देख सकते हैं ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और दूसरा पॉसिबल आंसर ये है कि स्टेरिक हिंडरनेंस की वजह से इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। का आंसर हो जाएगा बच्चों थर्ड। हम चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, टू पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर ऑफ CHOH विच इज ऑप्टिकली एक्टिव आर कॉल्ड। कोई भी दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होते हैं तो उसकी मिरर इमेज को हम एनेंशियोमर कहते हैं, तो इसका आंसर फर्स्ट होता है। आप देख सकते हैं ये इसकी मिरर इमेज है और इन दोनों को हम कहेंगे एनेंशियोमर, ठीक है ना। पर बच्चों याद रखना, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कायरेल से ज़्यादा जरूरी कायरेलिटी होती है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिसमें कायरेल एटम नहीं होगा लेकिन वो फिर भी ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते हैं, क्योंकि उसमें कायरेलिटी मिलती है। अब हम देखते हैं SN1 रिएक्शन में क्या होगा। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, 50% कंपाउंड तो एज इट इज रहता है, जिसे हम कहते हैं रिटेंशन, और 50% कंपाउंड में इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है ना, इन्वर्जन हो जाता है।
तो फर्स्ट हो नहीं सकता, सेकंड हो नहीं सकता, अब थर्ड और फोर्थ में से कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा फोर्थ, ठीक है ना, क्योंकि इन्वर्जन ज्यादा होगा रिटेंशन। हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। अब सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसमें सी सी एल बॉन्ड का आयोनाइजेशन, किसमें सी सी एल बॉन्ड का आयोनाइजेशन से स्टेबल कार्बोनियम आयन बनेगा। तो इसके लिए बच्चों आपको एक लाइन मेरी तरफ से याद होनी चाहिए, सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटायन, फिर होता है बेंजाइल, फिर एलाइल, फिर सेकेंडरी कार्बोकेटायन, फिर प्राइमरी कार्बोकेटायन, फिर मिथाइल कार्बोकेटायन और फिर फिनाइल कार्बोकेटायन, ठीक है ना। तो हमने इसमें देखा थर्ड वाला जो है ये टर्शरी कार्बोकेटायन, इसलिए सिक्स्थ में थर्ड आंसर हो जाएगा, क्योंकि थर्ड का कार्बोकेटायन इन सारे कार्बोकेटायन में मोस्ट स्टेबल। तो आंसर आपके सामने दिख रहा है थर्ड, और ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ओके, यहां पर NO2 कार्बोकेटायन को अनस्टेबल भी कर रहा है, क्योंकि NO2 माइनस आई इफेक्ट से विड्रॉ करेगा तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। हम चलेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की, सेवेंथ क्वेश्चन की। जब हम इसकी रिएक्शन BR2 से FeBr3 के प्रेजेंस में करेंगे, तो पहला डाउट यह है कि रिएक्शन रिंग में होगी या रिंग से बाहर। तो आप देख सकते हैं ये लुईस एसिड है, इसलिए रिएक्शन रिंग में ही होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपको याद होनी चाहिए। अब इस CH3 से ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है और ये पैरा है, तो इन जगह BR लग सकता है, और इस CH3 से ये पैरा है, ये अदो ऑर्थो है, ठीक है ना। तो अब इसका आंसर कौन सा हो सकता है? अब एक कंसेप्ट होता है क्या कि दो ग्रुप के बीच में तीसरा ग्रुप नहीं घुसता, तो इस वाली पोजीशन पर, दोनों CH3 के बीच वाली पोजीशन पर BR के लगने के चांस कम है, इसलिए इसका आंसर थर्ड मोस्ट करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो कंसेप्ट क्या है, ये वाला आंसर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दो ग्रुप के बीच में स्टेरिक फैक्टर की वजह से रिएक्शन होती ही नहीं है। हम चलते हैं और देखते हैं एट्थ क्वेश्चन। विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो रैसमाइजेशन व्हेन सॉल्यूशन ऑफ KOH हाइड्रोलाइज, किसका रैसमाइजेशन होगा। इस रैसमाइजेशन वर्ड को देखते ही हमें पता लग गया कि SN1 रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, SN1। अब इसमें SN1 रिएक्शन कौन सी होगी, ठीक है ना। अब दो दो आंसर हैं तो हम देख सकते हैं, ये है सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ये है प्राइमरी, ये है प्राइमरी और बेंजाइन। वैसे तो कंसेप्ट सिंपल सा ये है कि जिसका कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, जिसका कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है वही SN1 रिएक्शन पहले देता है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट और फोर्थ। हमने देखा इन रिप्लेसमेंट रिएक्शन MF से फ्लोरीन को अंदर ले जाना और Cl को बाहर लाना, तो इसके लिए कौन सा होगा। तो इसके लिए MF का आयोनिक होना जरूरी है, और आयोनिक तब होगा जब कैटायन बड़ा हो और एनायन छोटा हो। तो इसका आंसर में सबसे अच्छा आंसर रूबिडियम हो जाएगा, क्योंकि रूबिडियम का साइज सबसे बड़ा। हम आगे चलते हैं और देखते हैं किसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे जल्दी होगी। तो अब एक कंसेप्ट इसमें याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमें Cl हटाना है, कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हेलोजन हटता ही नहीं है एग्जाम में, सिर्फ तब हटता है जब बेंजीन रिंग में एक NO2, दो NO2 या तीन NO2 लगे हो। ये कंसेप्ट NCERT में पूरे एक पेज में सॉल्व किया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि NO2 के प्रेजेंस में Cl का सब्स्टिट्यूशन आसान हो जाएगा, क्योंकि ये Cl के हटने के बाद में जो एनाइन बचता है उस एनाइन को स्टेबलाइज कर देता है। तो हम चलते हैं 11th क्वेश्चन नीट में। आप इन क्वेश्चन से सॉल्यूशन करने का मेथड सीखने की कोशिश करें, ओके, ये आपके लिए ज्यादा बेटर। तो हम चलते हैं आगे, हमारे पास है 11th क्वेश्चन।
ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ठीक है ना। अब CH2OH लिया और ये लिया। अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था SN2 रिएक्शन के लिए प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, ए प्रोटिक होना चाहिए, और SN1 के लिए प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। तो पहले वाले में तो SN1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये ए प्रोटिक है और ये तो SN1 वैसे ही देगी, तो इसका आंसर आई थिंक फर्स्ट होता है। नहीं, ये ए प्रोटिक है तो ये SN2 हो जाएगी और ये SN1, तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड। सॉल्यूशन आपके सामने। फिर से देखो, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। किसमें CX बॉन्ड जल्दी से टूटेगा या किसमें X जल्दी जाएगा? तो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हेलोजन हटता ही नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे जल्दी ये टर्शरी वाला जाएगा, थर्ड। अब थर्ड के बाद फोर्थ आ जाएगा। अब ये दो हो गए तो इसमें NO2 है, तो सेकेंड फर्स्ट, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा सेकेंड थर्ड फोर्थ सेकेंड फर्स्ट। तो आंसर हो जाएगा बच्चों कौन सा, फर्स्ट। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आपको सीखना ही चाहिए कि ड्रिंक से जुड़ी हुई हेलोजन हटती नहीं है, लेकिन अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो तो हट जाएगी। तो ये इसका सोल्यूशन आपके सामने। हम चलते हैं 13th की तरफ। कौन SN1 रिएक्शन सबसे पहले देगा, ठीक है ना। SN1 रिएक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने के दो तरीके हैं अच्छे। जिसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा वो SN1 रिएक्शन पहले देता है, या जो बल्कि कंपाउंड। तो जो बच्चे कमजोर हैं वो देखते ही इसे कर देंगे, क्योंकि इससे बल्कि कोई और नहीं, और इसी का कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये टर्शरी भी है। ओके, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, 13th का आंसर था। तो SN1 रिएक्शन का कंसेप्ट अब याद रखें, जो कमजोर बच्चे हैं वो याद रखें, सबसे बड़ा वाला कंपाउंड पहले देता है, और स्मार्ट बच्चे याद रखें जिस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल। हम देखते हैं 14th क्वेश्चन। हमने इस एल्काइल ब्रोमाइड की, इस ब्रोमाइड की रिएक्शन एमजी से करी, एमजी से करी तो विग्नार्ड डिजेंट बन जाएगा। अब विग्नार्ड डिजेंट की दो रिएक्शन होती हैं, या तो एडिशन रिएक्शन देगा या फिर एक्टिव हाइड्रोजन के साथ में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। क्योंकि यहाँ एक्टिव हाइड्रोजन है तो ये विग्नार्ड डिजेंट इसमें से एच लेकर एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एल्केन कौन सा बनेगा, C6H5CH3, क्योंकि इसका कंसेप्ट और ये रिएक्शन ज़ेरेबिटनॉफ मेथड है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर ज़ेरेबिटनॉफ मेथड पढ़ सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी एक वीडियो मैंने ज़ेरेबिटनॉफ मेथड की ही बना रखी। तो आंसर हो जाएगा बच्चों कौन सा, थर्ड। हम देखते हैं सॉल्यूशन। हम चलेंगे 13th क्वेश्चन के बाद में, कौन से क्वेश्चन पे, 14th के बाद में 15th क्वेश्चन। वो उसमें कह रहा है कौन सी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेक्टरिस्टिक रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल, ठीक है ना। तो और अल्काइल हैलाइड, सारे अल्काइल हैलाइड है, लेकिन ये रिडक्शन रिएक्शन है, ये वुड्स रिएक्शन है जो फ्री रेडिकल से होती है, और ये भी आयोनिक मैकेनिज्म से होती है, लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है। ये फोर्थ इसका आंसर है। हम देखते हैं 15th के बाद 16th पर। हमने चारों चॉइस सामने रख ली। ये बीआर जाएगा और बीआर जाकर, क्योंकि एरो इधर चला जाएगा, तो ये वाला कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, ठीक है ना, और ये वाला कार्बन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि एल्कीन में पहले एच अटैक करता है, तो एच यहां पर जुड़ जाए, एच यहां पर जुड़ जाए, और ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन क्या होगा, रीअरेंज करके इस टर्शरी में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्शरी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बीआर जाकर यहां जुड़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड हो जाएगा।
हम आगे चलते हैं और देखते हैं। 17th क्वेश्चन हमारे सामने है और हमने देखा SN2 के लिए DMF। DMF एक नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट है जो SN2 रिएक्शन के लिए यूज करते हैं और SN2 रिएक्शन सबसे जल्दी वो देता है जिसका कार्बोकेटाइन लीस्ट स्टेबल हो, जिसका कार्बोकेटाइन लीस्ट स्टेबल हो और स्मॉलर हो, ठीक है ना। जबकि SN1 वो देता है जिसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट वाला सबसे छोटा कंपाउंड है, SN2 रिएक्शन जल्दी। हम चलेंगे 18th क्वेश्चन की तरफ और 18th क्वेश्चन हमारा क्या है, देयर इज नो प्लेन पोलराइज लाइट, नो रोटेशन बाय कंपाउंड इन ए स्पेसिफिक सॉल्वेंट थॉट टू बी काइरल, इट मे बी, मतलब वो कह रहा है कंपाउंड काइरल है फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, इसका मतलब हुआ कि वो मीजो, इसका मतलब क्या हुआ, मीजो। हमारे पास 3 एनायन है जो हेलोजन के हैं और इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है ना, का ऑर्डर पूछ रहा है। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक नेचर दो डिफरेंट कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो इनमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा I-, फिर Br-, फिर Cl-, ओके। जबकि अगर बेसिक नेचर का ऑर्डर पूछता तो कंजुगेट एसिड बेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग फ्लोरीन सबसे स्ट्रांग बेस होता है। तो बच्चों ध्यान रखें, जो हेलोजन बड़ा होगा वो ज्यादा स्ट्रांगर न्यूक्लियोफाइल होगा और जो हेलोजन छोटा हो, जो हेलोजन एनायन छोटा होगा वो स्ट्रांग बेस होगा। फिर से हम 20th क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, फिर से SN1 रिएक्शन का क्वेश्चन और SN1 रिएक्शन में बच्चों 2 बार पहले भी बता चुका हूं कार्बोकेटायन स्टेबल होना चाहिए या कंपाउंड बड़ा होना चाहिए। तो बेंजाइल क्लोराइड इसमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन मुझे दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट होता है। हम चलते हैं और देखते हैं 21 क्वेश्चन दिया हुआ है और ये RS कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन है। RS कॉन्फ़िगरेशन में पहली बात तो ये देखनी पड़ती है कि जो सबसे छोटा प्रायोरिटी का ग्रुप है वो डैश पे है कि नहीं। तो हमने देखा डैश पे है, तो जो आंसर आएगा वही रहेगा। सबसे बड़ा Br है क्योंकि 80 मास नंबर है, फिर क्लोरीन है, फिर CH3 है, तो ये क्लॉक वाइज घूम रहा है, इसलिए इसका आंसर 21 का फर्स्ट या R कॉन्फ़िगरेशन, या फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट 22। तो इतने ही क्वेश्चन इसमें आए हैं तो मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूं। यहां पर हमने NaCN की रिएक्शन कराई तो Br की जगह CN लग गया होगा, फिर उस A की हाइड्रोलिसिस कराई होगी तो यहां पर उस CN की जगह पर B लग गया होगा, मतलब एसिड लग गया होगा। फिर NaOH और CaO से रिएक्शन कराई होगी तो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन हो गया होगा और हमें हाइड्रोकार्बन मिल गया होगा। क्या मिल गया होगा, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब कहता है C का फॉर्मूला ये है तो हमें पता लग गया पेंटेन, ये 4-मोनोक्लोरोडेरिवेटिव देता है, ये 4-मोनोक्लोरोडेरिवेटिव देता है, कितना, 4-मोनोक्लोरोडेरिवेटिव। तो इसकी, इससे हमें ये पता लग गया कि ये आइसोपेंटेन है। आइसोपेंटेन की जब क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो हमें 4-मोनोक्लोरो या मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मिलते हैं, जबकि नियोपेंटेन से सिर्फ 1 मिलता है और एन पेंटेन से 3 मिलते हैं। तो हमें इसमें से आइसो देखना है तो एक ही आइसो है, इसलिए इसका आंसर बच्चों फर्स्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर, तो आप देख सकते हैं पिछले पेपरों में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आए हैं जिसमें बेसिकली ज्यादातर क्वेश्चन SN1 SN2 और हैलोजन जब रिंग से जुड़ी होती है, डबल बॉन्ड काले कार्बन से जुड़ी होती है तो रिप्लेस नहीं होती, सिर्फ जब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप उसमें अटैच होगा तभी रिप्लेस हो, ओके। तो आप वीडियो, मेरी नेक्स्ट वीडियो ऑर्गेनिक के आप देखते रहें, उन सब में ये कंसेप्ट, जिन कंसेप्ट से मैं सॉल्व कर रहा हूँ उनको डिटेल में हर वीडियो में एक कंसेप्ट बताया हुआ है पूरा।